हेलो दोस्तों, आपका स्टडी 2.0 चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मैथ्स का नंबर सिस्टम चैप्टर के क्वेश्चंस, जो कि हमारे हर साल पेपर में आते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। ये 220 इंटू 220 प्लस 180 इंटू 180, 180 गुणा 180। तो दोस्तों हमें इसका आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमें इस तरह के सवाल करने के लिए ये ऐसे करते हैं। दोस्तों देखिए, हमें जैसे ये कॉमन है, यानी हमारा ये हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं और इसे भी ए, ये हमारा हो जाता बी, ये भी बी मान लेते हैं। दोस्तों हमारा ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा दोस्तों बी स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसको करने के लिए पहले इसका फॉर्मूला निकालेंगे। दोस्तों इसके लिए हम निकालते हैं पहले ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ होगा दोस्तों हमारा माइनस, फिर हमारे यहाँ हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट a² प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों हमारा 2s के नीचे चला जाएगा, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा दोस्तों इसका नीचे हमारा। देखिए इस तरह हमारा a वो है हमारा, तो 220, 220 और 180 हो जाएगा हमारा 400। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 400 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हमारा 220 में से 180 गए तो हमारा बचा 40 का स्क्वायर दोस्तों, अपॉन में हो जाएगा हमारा 2। तो हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर 20 बराबर 4 16 1600 अपॉन 2। तो दोस्तों देखिए, ये हो जाएगा हमारा 00 61 61 अपॉन 2, जो हो जाएगा हमारा 8 0 8 0 0। दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। तो दोस्तों इसको हम मतलब सरल भाषा ना में करके नहीं, शॉर्ट ट्रिक में करने चाहिए हमें, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में। तो इसलिए दोस्तों हमें 2 2 1 + 3 3/2 नहीं करना है दोस्तों। इस तरह तो हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा और कैलकुलेशन बहुत लंबा टाइम लगेगा हमें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो दोस्तों हमें इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं, जैसे दिया हमें 1 11 111 और 1111। तो दोस्तों हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, पहले जोड़ के हमारा दोस्तों आ जाएगा 1234। इसे इसे जोड़ के हमारा 1234 आ जाएगा। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 को जोड़ के 1234 आ जाएगा दोस्तों हमारा, प्लस हमारे ये आधा और आधा, एक और आधा डेढ़ और आधा दो, ये हमारा हो गया 2। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो गया 1236। इसका आंसर है हमारा 1236। दोस्तों हमें इस तरह में करने के लिए बहुत कम समय लगा है, इसलिए इस तरह हमें पेपरों में करने हैं क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत बार एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, यह पहले बात तो हमारे समझ में नहीं आने का दोस्तों, इसको हम छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमें इस तरह करने होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों भी हमें दिया है 8 बराबर 7d, मतलब इसको उल्टा लिख लेंगे हम। अब देखिए दोस्तों, 8 बराबर है हमारा, 7 की वैल्यू है हमारी 6 पावर c ब्रैकेट d। इसी तरह हमारा 8 बराबर 6, 6 की वैल्यू हमारे 5b, 5b
सी डी। इसी तरह हमारी 8 की वैल्यू है, 8 बराबर हमारी 5 की वैल्यू है 4A, 4ABCD। तो हम देखिए दोस्तों, 8 को 2 की पावर 3 और 4 को 2 की पावर 2 और ABCD लिख देंगे। हमारा 2 से 2 कट गया और ये हमारी पावर 3/2 आ जाएगी, बराबर हमारा आ जाएगा ABCD। तो हमारी ABCD की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ये क्वेश्चन हमारे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा ये, हमें दिया गया है 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों में जिसमें हमें इकाई का अंक पूछा हो, तो जो उसकी मतलब पावर चढ़ रही है उसको 4 से भाग करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार एसएससी के पेपर में पूछे जा चुका है इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारा 4 से भाग करेंगे तो हम इसे को, तो 4 दुनिया 8, 2 4 6 24, यानी एक हमारा रिमाइंडर बच रहा है। जो हमारा शेष फल बचता है ना, उसको हम इसके उस पर चढ़ा लेते हैं पावर पे। तो एक पावर चढ़ा लिया तो इसको खोलेंगे तो हम हमारा 7 ही आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आया दोस्तों हमारा 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा ये, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, इसी तरह हमारा 4 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर तक हमारा 2870। तो दोस्तों ऐसे हमारे से पूछा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो 1 से 20 स्क्वायर तक हमें इसकी वैल्यू दी गई है हमारा 2870। 70 इसकी वैल्यू दी गई है हमें। अब हमारा बचा 21 से 40। तो 21 से 40 यानी इसी का दोगुना है, यानी दोगुना, क्योंकि हमारा वो हो गया दोगुना, हमारा 2 का स्क्वायर बच हो गया, 2 का स्क्वायर हमारा होगा 4, क्योंकि जब उसकी वैल्यू 2870 है जो इनके स्क्वायर है। तो इसी तरह हम इसकी 2 के स्क्वायर से वैल्यू करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा ना दोस्तों हमारा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे समय। तो 2 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 2 की 4 से करेंगे 8। इस तरह हम करेंगे 2 से 2, 2 2 4, 4 स्क्वायर 2 3 6 का 6 स्क्वायर, और इसी तरह 2 20, 20 2 40 का स्क्वायर। तो इसकी इसे हमारे 2 से 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 2 स्क्वायर को हम खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो इसके हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 11480। 4 0 0 का ये हो गया था हमारा, 4 7 28 का 2 हासिल, 4 32 और 4 32 और 2 30। इसी तरह दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहेंगी।